and welcome to my channel HOT Universe and Diorama Zaya Machine and you are watching my model railroad. दोस्तों आज मैं एक लॉन्ग वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा और वो भी एक ऑन डिमांड वीडियो। बहुत दिन से आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में मुझे ये एपिसोड बनाने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे। सब लोग बोल रहे थे कि भाई इतना सारा वीडियो आपने बना के दिया है तो अभी ये वीडियो ज़रूर बनाओ, क्योंकि ये जो ट्रेन आपका चलता है इसका जो वायरिंग है ये कैसे होता है ये हमको ठीक से पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको वही डेमो देते हैं कि कैसे मैं ये जो मेरा मॉडल रेलरोड है, जो इतना बड़ा जो आप ट्रेन रूम देख रहे हो, इतने सारे ट्रैक्स यहाँ पे बिछाया हुआ है, तो इसमें हम पावर कैसे सप्लाई करते हैं, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर तो विदेशों में जो चैनल्स है वो बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं, लेकिन मैं थोड़ा आसान तरीके से आपको समझने वाला हूँ। तो चलिए हम सब मिलकर एक बार देखते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया और वायरिंग दरअसल कैसे किया गया है। बेसिकली मेरा जो रेलरोड है ये बेसिकली DCC है, यानी कि डिजिटल कमांड कंट्रोल है, तो इसमें वायरिंग बहुत सिंपल है। अगर ये DC में होता या AC में होता तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो मेरा जो सिस्टम है मैं आपको वही दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और हाँ जो बेल वाला बटन है उसको दबा ज़रूर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले एक मेरा जो मॉडल रेलरोड है, या कि इस तरीके की जितने भी मॉडल रेलरोड होता है उसका जो बेसिक चीज़ है उसकी तरफ हम जाते हैं, यानी कि पावर सोर्स क्या होता है, चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होता है मॉडल रेलरोड में वो है कंट्रोलर, यानी कि जिसके जरिए से सारा ट्रेन चलता है। ये मेरा DCC कमांड कंट्रोल स्टेशन है, ये मेरा हॉर्नबाई का है, और हॉर्नबाई का इस कंट्रोलर जो है इसका नाम है हॉर्नबाई DCC सिलेक्ट। तो ये DCC सिलेक्ट ये कंट्रोलर से जितना भी ट्रेन मेरा ये वो चलता है ट्रैक के ऊपर, और इसी से ही पावर सप्लाई होता है इन सारे ट्रैक्स पे। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि दरअसल इसमें सबसे पहले तो है ये नॉर्मल, ये मैं अभी यहाँ पे रहता नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि ये नॉर्मल करंट बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, और इसी बोर्ड से ये है एडाप्टर, जो एडाप्टर लगा हुआ है इसमें, और इस एडाप्टर से ये जो पावर है, ये जो पावर केबल है ये जा रहा है DCC कंट्रोलर के तरफ। आप देख सकते हो कि ये आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, यानी कि मेरे जो नॉर्मल करंट लाइन है वहाँ से करंट आके यहाँ से कनेक्ट होता है और पावर अप करता है इस कंट्रोलर को। और यहाँ पे देखिए आप ठीक से, यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट है जहाँ से दो तार यहाँ से निकल रहा है, यानी कि दो वायर यहाँ से निकल रहा है, और ये जो दो वायर यहाँ से निकला है ये दो वायर आप देख सकते हो दरअसल यहाँ पे जाके लगा है। सो दिस इज़ द प्राइमरी पावर सोर्स, यानी यहाँ से जाके ये यहाँ पे ऐसे लग जाता है यहाँ पे। अब ज़रा गौर कीजिए इस जगह पे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए यहाँ से मेनली जो गया है ना, यहाँ से मेन जो मेरा दो वायर है वो दो वायर बेसिकली ये रेड वायर है ये वाला, और ये वाला है दरअसल जो है नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर यहाँ से जाके इन दोनों वायर पे लगा है। और ये जो दो वायर आप देख रहे हो, आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइट ऑन करके आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। तो ये जो दो वायर है अगर आप ठीक से देखो तो देखो यही दो वायर नीचे से पूरा देखो, मेरे जितना भी यहाँ पे जगह से ये जाने वाला है ये पे जाएगा यहाँ से आप देख सकते हो। तो देखो यही दो वायर नीचे से ये देखो पूरा जा रहा है, तो ये जो दो वायर यहाँ से जा रहा है इसको कहा जाता है बस वायर, आप देख सकते हो, यानी कि पूरा जो मेरा ट्रैक सिस्टम है यहाँ पे, ये जो पूरा ट्रैक सिस्टम है इसके पूरे नीचे से ये सारा ये दोनों ही वायर जा रहा है पूरा राउंड अप होके वहाँ से आके यहाँ पे। तो ये ब्रिज सेक्शन आपने कई दफ़ा देख चुके होंगे, तो ये वहाँ पे जाके एडजस्टेंट हो जाता है और वहाँ पे ये कनेक्ट होके, तो ये नीचे से जो वायर, यानी कि मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि ये जो दो वायर्स है
ये मेन पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है और इनको कहा जाता है बस वायर। ठीक है, अब ये अगर आपका लेआउट छोटा है तो इसी बस वायर से आप आसानी से नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, ये कनेक्टर से इसको जोड़ दिया तो, और यहाँ से एक या दो लाइन ऐसे लेके यहाँ पे आप अगर ज़रा गौर फरमाओगे तो तुम आप सब देख सकोगे। देखो यहाँ पे ये नीचे से आके यहाँ पे ये शोल्डर हुआ है, आप देख सकते हो। तो अगर आप एक नॉर्मल ट्रैक लाइन चला रहे हो, ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दोनों यहाँ पे आ गए, फिर आपने यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया यहाँ से और ये थ्रॉटल से आप चला सकते हो। अब ये कंट्रोलर कैसे चलाया जाता है इसके ऊपर मैं अब आज मैं आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी मैंने एक एपिसोड कंट्रोलर से ट्रेन कैसे चलता है इसके ऊपर बनाए हैं और वो वीडियो का जो लिंक है मैं वो आई बटन में आपको दे रहा हूँ। अगर आप देखना चाहते हो तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो और मैं एकदम लास्ट में जाके मैं दे दूंगा उसका लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आता है एक सिंगल, आप यहाँ पे किसी जगह पे आप अगर वायरिंग कर लेते हो तो उसी से आपका अगर लेआउट छोटा है, डायोरामा छोटा है तो ट्रेन आराम से चलेगा। वो सर्कुलर बना लो या फिर ओवल बना लो, शेप में कुछ बना लो, ट्रेन चलेगा। लेकिन अगर आपका लेआउट थोड़ा बड़ा है, यानी कि मेरा तो बहुत बड़ा है, आपको पता है, आपने बहुत दफ़ा इसको देख ली है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जगह पे, सिर्फ एक ही जगह पे हम वायरिंग नहीं रखते हैं, बल्कि हम जगह जगह पे इसको छोटा छोटा ब्लॉक फॉर्म करते हैं और ब्लॉक फॉर्म करके इसके ज़रिए से हम दरअसल ये पूरा जो लाइन यानी ट्रैक सिस्टम है इसको हम पावर अप करते हैं। अब ये जो ट्रैक्स है, इन ट्रैक्स को एक के साथ एक जोड़ा जाता है, ऐसा देखिए, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ज़रा देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो चीज़ होता है इसको कहा जाता है कनेक्टर। ये मेटल कनेक्टर है फिश प्लेट जैसा, तो दो छोटा ट्रैक को हम इसी चीज़ से एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो मेटल से मेटल कनेक्ट हो जाता है, तो वहाँ से जो पावर आ रहा है वही पावर फिर इसी कनेक्टर के ज़रिए फिर यहाँ से चलना शुरू कर देता है। बट यहाँ पर एक चीज़ होता है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए इतना सारा टर्नआउट्स है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन जा रहा है, फिर यहाँ से टर्नआउट है, बहुत जगह पे आप देख सकते हो कि कितना टर्नआउट्स यहाँ पे है। तो ये टर्नआउट में कभी भी शॉर्ट सर्किट ना हो जाए या फिर पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए हम थोड़ा छोटा छोटा स्लाइस या ब्लॉक बनाते हैं, तब वहाँ पे हम लगाते हैं जो कनेक्टर्स को, वो मेटल कनेक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटेड कनेक्टर होता है। कि आपको हम दिखाते हैं, एक सैंपल आपको हम दिखा देते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखिए, ये जो कनेक्टर है ये है मेटल कनेक्टर। ठीक है, और अगर हम किसी लाइन को यानी कि ट्रैक को यहाँ से जब हम जोड़ना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि सिंपली यह इससे इसको ऐसे इंसर्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे ही अगर हम यहाँ से इसको इंसर्ट कर देते हैं तो ये ट्रैक एडजेसेंट होता था, इसका पावर इसमें चला आता है क्योंकि ये दो कनेक्टेड है, इससे ये दोनों मेटल ट्रैक कनेक्टेड है। और आपको हम दिखाते हैं अभी कि मेरे इस हाथ में जो है इसे कहा जाता है इंसुलेटेड कनेक्टर, यानी कि ये जो है ये दरअसल मेटल का बना हुआ नहीं होता, ये प्लास्टिक का बना होता है। और देखिए ये बीच में एक आप देख सकते हैं शायद यहाँ पे गैप बना रहा था, यहाँ पे एक डिवाइडर है, यानी कि अगर इस तरफ से हम देखिए इसको, अगर हम यहाँ से इसको इंसर्ट करते हैं ऐसे, ये देखिए इसको अगर हम इस तरफ से ऐसे इंसर्ट कर देते हैं ना पूरा यहाँ से, तो ये यहाँ से इसके अंदर जाएगा और ये भी यहाँ से अगर जब इसके अंदर जाएगा, देखिए आपको हम दिखा देते हैं एक तरफ, ये देखिए अब ये दोनों ही कनेक्ट हो गया है। तो इसमें आप थोड़ा सा देखिए कि डिफरेंस क्या है। अब देखिए ये जो मेटल कनेक्टर जुड़ा हुआ है इससे पावर दोनों ट्रैक पे जा रहा है, यानी कि इस पीस पे, इस पीस से इस पीस पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बीच में एक डिवाइडर है और ये प्लास्टिक का है, तो यहाँ से करंट इस पे नहीं आता है, तो इसे ही कहा जाता है इंसुलेटेड रेल जॉइनर। ये है इंसुलेटेड रेल जॉइनर और ये है मेटल रेल जॉइनर। तो अब
सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ से करंट यहाँ पर आना बंद हो जाता है इंसुलेटेड रेल जॉइनर लगाने से, तो फिर इस ट्रैक में पावर कैसे आएगा इस पार्ट पे। तो चलिए वही हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बस वायर से हम स्लाइस, यानी कि हम ऐसे छोटा छोटा जो स्लाइस है, यानी कि छोटा छोटा जो स्लाइस है उस पर हम पावर कैसे डालते हैं। तो चलिए हम आपको वो दिखा देते हैं अभी। तो जैसे पहले आपको बोल दिया कि ये वाला जो वायर है ये पॉजिटिव वायर है और ये नेगेटिव वायर है, और हम क्या करते हैं कि ऐसे पॉजिटिव या नेगेटिव जो वायर होता है उससे इस इन जैसे पावर क्लिप के ज़रिए, आप ठीक से देखिए ये पावर क्लिप है, इससे क्या होता है कि शोल्डरिंग करना नहीं पड़ता है। तो इसी पावर क्लिप से हम जगह जगह पे, यानी कि यहाँ से एक वायर पॉजिटिव ट्रैक में जाता है और दूसरा जो वायर है वो नेगेटिव ट्रैक में जाता है। तो ये जो वायर है बस वायर से, जो वायर यहाँ से निकल के आप देखिए ये ट्रैक पे जा रहा है, आप शायद देख सकते हो कि यहाँ पे जगह जगह पे शोल्डरिंग किया हुआ है। तो इसे कहा जाता है बेसिकली फीडर वायर, यानी कि बस वायर से जो वायर निकल रहा है इसे हम फीडर वायर कहते हैं। तो इसी तरीके से हम जगह जगह पे फीडर वायर के ज़रिए से हम पावर को डिवाइड कर देते हैं। और एक चीज़ भी यहाँ पे होता है कि देखिए ऊपर, यानी ऊपर में यहाँ पे दो अप एंड डाउन लाइंस है, तो इन दोनों अप एंड डाउन लाइन में जो मुझे जो पावर देना होता है वो दरअसल मैं ये एक ही बस वायर से निकलता है, निकल के मैं वहाँ पे डालता हूँ। तो क्या होता है कि देखिए ये जो है, इससे आप समझ सकोगे कि देखिए यहाँ पे ये एक फीडर वायर है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको हम बोलते हैं पंच क्लिप, इसके ज़रिए यहाँ से देखिए दो पॉजिटिव वायर यहाँ से निकला है, यानी कि ये एक फीडर वायर है और यहाँ से ये नेगेटिव का एक फीडर वायर है इसमें आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एक फीडर वायर यहाँ पे आके ज्वाइन हुआ है और यहाँ से फिर दो पॉजिटिव निकल के जा रहा है और यहाँ से फिर जाता है दो नेगेटिव, और देखिए ऊपर में जाके फिर ये अलग चार ट्रैक में, ऊपर में इतना सारा जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हर एक अलग अलग लाइन यानी ट्रैक को यहाँ पे पावर अप किया गया है। तो ये दरअसल फंडा है जिसके ज़रिए हम फीडर वायर, यानी कि बस वायर से फीडर वायर को वायरिंग करते हैं, और जिसके तरफ ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये पूरा मेरा जो लेआउट है इसमें पावर आ जाता है। और ताकि यहाँ पे कोई भी जगह पे पावर में कभी भी प्रॉब्लम ना हो या फिर शॉर्ट सर्किट ना हो, इसके लिए जगह जगह पे हम क्या करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पावर आ गया, फिर यहाँ से हम यहाँ पे एक इंसुलेटेड रेल जॉइनर डाल दी, फिर यहाँ से ट्रैक चालू हुआ, तो यहाँ पे मैंने नीचे बास वायरिंग जो है वहाँ से फीडर वायर डाल के इस तरफ को भी मैंने पावर अप कर दिया, फिर यहाँ से जब निकल के यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि एक ब्लॉक बना दिया, यहाँ पे इंसुलेटेड रेल जॉइनर डाल दी, और यहाँ पे जो ट्रैक जा रहा है यहाँ पे नीचे से फिर से यहाँ पे बस वायरिंग हो गया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बस वायरिंग ऐसे हर जगह पे ऐसे बस वायरिंग वगैरह जगह जगह पे ऐसे हो जाता है। तो दिस इज़ द मोस्ट सिंपल प्रोसेस ऑफ गिविंग यू अ नॉर्मल आइडिया अबाउट द वायरिंग ऑफ मॉडल रेल रोडिंग इन DCC, डिजिटल कमांड कंट्रोल। तो दोस्तों ये है जो आप देख रहे हो, ये नॉर्मल एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए मैंने ये वायरिंग यहाँ पे किया है। और अगर आपको इसके चलते कोई भी सवाल है, इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वायरिंग सिस्टम, यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल गिव यू द रिप्लाई। मैं आपको, अगर आपको इस वायरिंग के तहत किसी भी तरीके का सवाल है तो आप मुझे ज़रूर वो सवाल पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा कि जिसके ज़रिए मैं आपको इसके ऊपर बता सकूं, जो मेरा नॉलेज है आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वायरिंग आपको हम दिखाने वाले हैं। अभी देखिए कि ये जो जगह है ना, यानी कि ये जो राउंड हाउस है जो आप कई दफ़ा देख चुके हो, इसमें इतना सारा ट्रैक्स है, तो इस ट्रैक के साथ तो किसी भी ट्रैक का कोई जॉइंट नहीं होता है, यहाँ पर भी जॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो टर्न टेबल है ये इट्सेल्फ अलग एक सर्किट है, यहाँ पे पावर आ जाता है, जो पावर चलता है आप देख सकते हो कि नीचे से, अगर आपको दिखाई को देखिए ये यहाँ पे देखिए
ये पूरा टर्न टेबल का पावर अप सिस्टम है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे मैंने जो ट्रैक्स लगाया है इसको भी मुझे अलग तरीके से बस वायर से फीडर वायर निकल के हर एक ट्रैक को पावर अप करना मैंने किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये मेन लाइन से दो फीडर वायर निकल के आया है, और फिर यहाँ पे देखिए कि कितने सारे तार यहाँ से वायर्स निकल के, आप उस तरफ देखिए, हर एक लाइन में ये गया है, हर एक ट्रैक पे जाके उस ट्रैक को पावर अप की है ऐसे। तो ये जगह थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक को, जो राउंड हाउस का ट्रैक है उसे मुझे पावर अप करना पड़ा। तो जितना आप मॉडल रेलरोडिंग के बारे में जानोगे, पढ़ोगे और देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम लोग ये सारे चीज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यही तक, बहुत जल्द हम आएंगे एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।